नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मोदी का पक्का यार उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता है। भारत चीन की टेंशन में पुतिन लगातार भारत के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। उन्होंने जहां चीन को S-400 की मिसाइल देने पर रोक लगाई, वहीं चीन की आपत्ति को दरकिनार करते हुए चीन से भी बेहतर S-400 और लड़ाकू विमानों की डील रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ की है। पर चीन केवल इसी बात पर ही नहीं तिलमिलाया हुआ है, बल्कि इस बार भारत और रूस एक साथ मिलकर चीन की पीठ पर अपनी दोस्ती का झंडा गाड़ने जा रहे हैं। खबर है कि रूस के चेंगदू J-20 को ठोकने के लिए रूस ने दुनिया के सर्वाधिक खतरनाक विमान SU-57 स्टील्थ विमान को भारत को देने का फैसला कर लिया है। SU-57 पांचवी पीढ़ी का ऐसा विमान है जिसकी टक्कर दुनिया का कोई दूसरा एयरक्राफ्ट नहीं ले सकता है। Sukhoi-57 रूस की शान समझा जा रहा है और अब रूस चाहता है कि यह विमान भारतीय सेना के पास भी होना चाहिए। SU-57 के सामने अमेरिकी F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान भी कमजोर साबित होते हैं। रूस ने पिछले साल अगस्त में मॉस्को में आयोजित एक एयर शो में SU-57 को दुनिया के सामने पेश किया था। भारत की भी इस विमान पर उसी वक्त से नजर गड़ी हुई है। बताया जाता है कि भारत सरकार भी F-35 की अपेक्षा SU-57 में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। इसकी वजह यह है कि भारतीय सेना के पायलट रूस निर्मित विमानों को उड़ाने में ज्यादा पारंगत है, उन्हें रूसी तकनीक की ज्यादा से ज्यादा समझ है। साथ ही जमीन पर मौजूद ज्यादातर उपकरण रूस निर्मित होने के चलते इसमें बेहतर तालमेल भी बना रहता है। सरकार भीतर खाने SU-57 की खरीद को लेकर बात कर रही है। जब से इस चर्चा ने जोर पकड़ा है कि अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट बेच रहा है, रूस भी मैदान में उतर आया है। वह भारत जैसे विशाल हथियार बाजार पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहता है, इसलिए रूस ने भारत को SU-57 स्टील फाइटर जेट को देने का फैसला लिया है। भारत में राफेल आने के बाद रूस को अपनी मार्केट में सेंध लगती दिख रही थी, मगर अब रूस अपना सबसे विध्वंसक योद्धा हिंदुस्तान को देने की पेशकश कर चुका है। हिंदुस्तान ने भी चेंगदू के बाप यानी SU-57 को खरीदने का मन बना लिया है। LAC और LOC पर बढ़ते विवाद और चीन की ताकत को देखते हुए यह जरूरी है कि भारत अपनी ताकत में लगातार इजाफा करता रहे। चीन को टक्कर देने के लिए SU-57 सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। SU-57 जैसे विमान इंडियन एयरफोर्स की ताकत में और ज्यादा वृद्धि करेंगे। चीन जिस तरह बार बार अपने चेंगदू J-20 की हेकड़ी दिखाता है, यही हेकड़ी अब SU-57 उसके गले में हाथ डालकर बाहर निकालेगा। अगर भारत रूस से यह फाइटर जेट खरीदता है तो चीन के पास इस विमान का कोई भी तोड़ नहीं बचेगा। भारत और रूस की दोस्ती आज दुनिया के सामने है। PM मोदी और पुतिन की दोस्ती भी काफी गहरी है। इसी वजह से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस जब भी इस घातक विमान का एक्सपोर्ट शुरू करेगा तो वह भारत को जरूर देगा। चौंकाने वाली बात यह है कि ड्रैगन भी इस विमान को खरीदने के लिए उस पर डोरे डाल रहा है, मगर रूस ने उसे यह फाइटर जेट देने से साफ इनकार कर दिया है। उरी हमला हो या पुलवामा अटैक, भारत ने जिस तरह से दुश्मन को जवाब दिया है उससे साफ हो गया है कि भारत अब अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का तरीका और तारीख दोनों खुद तय करेगा। LAC पर चीन लगातार विवाद को बढ़ाता जा रहा है और भारत ने चीन को दो टूक कह दिया है कि इस बार सीमा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आज का हिंदुस्तान 1962 के हिंदुस्तान से काफी अलग है। भारत के पास एक से बढ़कर एक हथियार हैं। दुनिया के तमाम देशों का साथ भी भारत को मिला हुआ है। साथ में PM मोदी की सफल डिप्लोमेसी है और सेना की कमान CDS बिपिन रावत जैसे मजबूत कंधों पर है। चीन हर छोर पर भारत के हाथों कैसे गिरा है यह हमने पिछली वीडियो में भी बताया है। अगर चीन सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ा रहा है तो भारत उससे दो कदम आगे चल रहा है। खबर है कि रूस इसी साल में S-400 की पहली डिलीवरी की तैयारी कर रहा है। मजे की बात यह है कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जिन मिसाइलों को रूस ने चीन को देने को मना किया है, भारत को उनके पूरे सेट मिलने जा रहे हैं। भारत अपने आयुध भंडार की ताकत 40 दिन के लिए बढ़ा चुका है। साथ ही तेल रिजर्व भंडार भी भारत के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यानी अगर किसी भी वक्त चीन भारत का बिगुल बजता है तो भारत लगातार 40 दिन तक उसकी कमर तोड़ता रहेगा, जबकि यह जंग बामुश्किल एक हफ्ते भी नहीं चलने वाली है। भारत ने चीन को इस कदर घेर लिया है जहां चीन अधिक दिन तक उछल नहीं पाएगा। अब जरा चीन को यह याद भी कर लेना चाहिए कि उरी हमले के 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक से साबित हुआ है कि भारत ने अपने दुश्मनों को जवाब देने की नई परिभाषा लिखी है। दुश्मन कोई भी हो, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। बातचीत, समझौते, दौरे और कॉन्फ्रेंस से आगे बढ़कर दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देने का भारत ने तरीका याद कर लिया है। हिंदुस्तान ने समझा दिया है कि वतन पर की जाने वाली चोट का जवाब कैसे, कब और कहां देना है, इसका तरीका और तारीख खुद भारत ही तय करता है। फिलहाल भारत की समस्या पाकिस्तान नहीं है। हिंदुस्तान ने अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया है कि पाकिस्तान जैसा तुच्छ देश भारत की हैसियत के सामने कहीं नहीं ठहरता है।
लेकिन हाल में चीन ने एलएसी पर टांग फंसाकर अपनी गर्दन हद से ज्यादा उठानी शुरू कर दी है। अपनी ताकत के दम पर छोटे देशों पर एगड़ी जमाने वाला ड्रैगन, इकोनॉमी के बल पर दुनिया में डंका पीटने वाला चीन अब हिंदुस्तान से टकरा बैठा है। तमाम बातचीत के दौर के बाद भी चालबाज चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन चीन यह भूल गया है कि आज का भारत उसकी किसी भी गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान ने हर मोर्चे पर जिस तरह तैयारी की है उससे चीन का बच पाना या एलएसी से सही सलामत लौट पाना नामुमकिन है। एलएसी से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक चीन की घेराबंदी की जा चुकी है, जिसमें फंसा चीन बुरी तरह से कसमसा रहा है। यानी भारत की तरफ से बिना गोली चले ही चीन प्राच्य की तरफ बढ़ रहा है। पर चीन ने जो गुस्ताखी की है, भारत अब उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। भारत ने अपना पहला वार उसकी इकोनॉमी पर ही किया है, जिससे उसे अरबों डॉलर का नुकसान एक झटके में उठाना पड़ा है। सीडीएस बिपिन रावत चीन को अल्टीमेटम दे चुके हैं कि अगर चीन बातचीत से नहीं सुधरा तो फिर उसे सुधारने के लिए इंडियन आर्मी तैयार खड़ी है, जो एक आदेश मिलते ही बीजिंग तक कोराम मचा देगी। जो बात कहने की हिम्मत अमेरिका ने भी नहीं की है, वह सीडीएस बिपिन रावत ने कहकर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के हाथ पांव फुला दिए हैं, क्योंकि पीएलए जो खुद को अभी तक सुपर पावर समझने लगी थी, भारत की चेतावनी ने उसे उसकी औकात बता दी है। यानी भारतीय सेना चीन की पागल लफंडर आर्मी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। रूस के बारे में चीन की यह धारणा भी बदल गई है कि अमेरिका के भारत के साथ आने पर वह उसके साथ खड़ा हो जाएगा। रूस ने साफ इशारा कर दिया है कि उसके पुराने दोस्त पर आंच आई तो अमेरिका से पहले वह भारत के साथ खड़ा होगा। रूस ने यह साबित भी करके दिखाया है। अगर ऐसी नौबत आती है तो भारत के लिए चीन को रूस से भी टकराना पड़ सकता है। पर रूस जानता है कि भारत चीन की सीक्रेट आर्मी के लिए अकेला ही काफी है। भारत चीन को न केवल धूल में मिलाएगा, बल्कि उसे इस लायक भी नहीं छोड़ेगा कि वह भविष्य में किसी मुल्क को एकड़ी दिखा सके। अब बस चीन के मैदान में आने की देर है। पर यह प्रोपेगेंडा पावर मैदान में आने की बजाय मीडिया में खुद ही तीरंदाज बनी घूम रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।